हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन सब्जेक्ट मैथ साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड आई सी जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम class 11th and 12th subject physics math and computer science of any board ICSE, cbse jack or any state board of english medium for more information contact on my whatsapp number 9431703940 and note personal online video classes also given here that are charge chargeable covid-19 stay at home study at home ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट थ्री आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखें थैंक यू और पूरी देखें नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इतना दूर तक था हार्डवेयर का पार्ट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी एलिमेंट जितना था मेमोरी पेरिफेरल डिवाइस इनपुट पेरिफेरल डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सब सारा था हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर का नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पार्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है चलिए जानते हैं सॉफ्टवेयर इज ए जेनरिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड ब्रोकन इंटू टू मेजर कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक नन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुई यूजड बाई यूजर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर जो कम्प्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर में होते हैं और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ कम्प्यूटर यूज़ कर सकते हैं हम उसको दे, देख भी नहीं सकते हैं सिर्फ उसको प्रोग्राम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को ओके जो जो टच नहीं कर सकते हैं बस इतना याद रखिए सॉफ्टवेयर ओके और इसको दो कैटेगरी में बाँटा गया है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक Application software okay, the uh, software types system software system software is responsible for controlling, integrating, and managing the individual hardware component of computer systems so that other software and the user of the system see it as a functional unit without having to be concerned with the low level details such as transferring data from memory to disk or. रे रेंडरिंग टेक्स्ट ऑन टू ए डिस्प्ले जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम फंडामेंटल यूटिलिटीज सच एज डिस्क फॉर्मेटर फाइल मैनेजर डिस्प्ले मैनेजर टेक्स्ट एडिटर यूजर ऑडिटनेशन लॉग इन मैनेजमेंट टूल्स एंड नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने में इंटीग्रेट करने में मैनेज करने में इंडिविजुअल हार्डवेयर को मैनेज करना है प्रिंटर को मैनेज करना है स्पीकर को मैनेज करना है सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए जितने सॉफ्टवेयर हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं जैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है कीबोर्ड से माउस से सीपीयू में सीपीयू से जाना है मेमोरी एलिमेंट में मेमोरी से फिर सीपीयू लाना है तो ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, का काम रहता है ओके okay? उसके लिए ये सिस्टम्स ये सॉफ्टवेयर डेवलप देव, किया हुआ रहता है कंप्यूटर जब बनता है तो कुछ चीज़ नहीं रहता उसमें सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को चलाता है अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर यूजलेस है कुछ काम नहीं करेगा ओके तो बिना सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं होता है कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो कंप्यूटर यहाँ तक कि कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा अगर सॉफ्टवेयर चला गया तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर को ऑन होने के लिए ऑफ होने के लिए पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ तक कि इनपुट लेने के लिए आउटपुट लेने के लिए प्रोसेस करने के लिए ओके यहाँ तक कि लॉग इन करने के लिए ये सब सारे सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है नेक्स्ट है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपलीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अकम्प्लीट स्पेसिफाइक टास्क टू अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम सच एज एन इमेज व्यूअर A small collection of programs, often called the software package, uh, that work closely together to accomplish a task such as a spreadsheet or text processing system. A large collection, often called the software suite, or uh, of related but independent programs, the and package that have a common user interface and shared data format such as Microsoft Office, which consists of closely integrated word processor, spreadsheet, database, etc. A software system, software system such as a database management system, which is a collection of fundamental programs that are, that may provide some service uh, service to variety of other independent application. Application software, this is a specific task. स्पेसिफिक टास्क मतलब सपोज हमको कोई डेटा को रखना है जैसे कुछ किसी का अटेंडेंस शीट बनाना है कोई टैम्पलेट प्रिंट करना है या कुछ बुक प्रिंट करना है तो उसके लिए अप्लीकेसन सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एम एस वर्ड एम एस एक्सेल पावर पॉइंट एम एस पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये सब क्या है ये सब अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क मतलब काम के अनुसार उस सब सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है ओके तो ये सब क्या है इसमें फिर कॉमन यूजर इंटरफेस डाला हुआ दिया हुआ है फैसिलिटी मतलब यूजर इंटरफेस मतलब यूजर उससे आसानी से कंप्यूटर से इंटरफेस कर सकता है मतलब डेटा दे सकता है डेटा ले सकता है डेटा स्टोर कर सकता है उस एप्लीकेशन के थ्रू ओके कंप्रीजन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या डिफरेंस है दोनों में अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलिए इसको जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टाइप प्रीमियरली यूज फॉर डिजिटली स्टोर्ड डेटा सर्च एज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रीड एंड राइट बाई कंप्यूटर एप एप कम अंडर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू हैज ए वाइड स्कोप नाउ ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है जस्ट एक सिस्टम जस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेम prim, प्रेमली uh, जो टर्म प्रीमली है प्रीमली यूज फॉर डिजिटल स्टोर्ड डेटा डिजिटल स्टोर डेटा मतलब जीरो वन जो स्टोर हो रहा है डिजिटल डेटा उसको वो कंट्रोल करता है उसको स्टोर करता है सच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको रीड करना है राइट करना है ये सब सारा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है और बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसको भी जानेंगे फिर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नॉन एज अप्लीकेशन और एन ऐप्स ओके जो एप्स आते हैं मोबाइल फ़ोन में जो ऐप्स आते हैं जैसे कोई भी गेम खेलना है पबजी खेलना है तो ये पबजी भी क्या है एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है गेम खेलने के लिए इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू द यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ओके जैसे सपोज कोई मूवी डाउनलोड करना है तो आजकल मूवी डाउनलोडर भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें सिर्फ आपको मूवी मिलेंगे ओके सॉन्ग प्ले सॉन्ग प्ले करना है तो उसके लिए भी स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब अकॉर्डिंग टू डिज़ायर मतलब जो हम लोग को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को ही डेवलप किया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेकेंड है लिनक्स थर्ड है यूनिक्स फोर्थ है मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फिर फिफ्थ है डॉस ओके ये सब क्या है सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है मतलब सिस्टम को चलाने के लिए ये बनाए गए हैं और ये जनरली रहेगा ही रहेगा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर वर्क करेगा ही नहीं वो अंत तक नहीं होगा ओके okay? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ओपेरा जो वेब ब्राउजर है फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए माई एक्सक्ल डेटा बेस सॉफ्टवेयर के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के लिए एडअप फोटोशॉप ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए ओके यहाँ तक कोई जैसे पी डी एफ होता है ओके okay, तो वो क्या होता है उसको देखने के लिए भी मोबाइल में ओपन करने के लिए कंप्यूटर में ओपन कर लेंगे उसके लिए स्पेशल अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है तब जाके वो खुलता है नेक्स्ट इंटरे इंट्रेक्शन क्या इंटरेक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जनरली यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट वर्कस द इन द बैकग्राउंड यूजर जो है यूजर्स यूजर किसको बोलते हैं जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो यूजर होता है ओके okay? तो यूजर जो है वो इंटरेक्ट नहीं होता है सिर्फम सॉफ्टवेयर में लेकिन प्रोग्रामर इंटरेक्ट होता है ये याद रखिएगा यूजर ऑलवेज इंटरेक्ट विथ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल्ड यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपलीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है अपलीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ही यूजर इंटरेक्ट होता है जैसे सपोज कुछ भी काम करना है आसानी से सपोज़ गाना सुनना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गाना अ, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए म्यूजिक प्लेयर का फिर सपोज़ मूवी देखना है उसके लिए डाउनलोड कर लिए उस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज करता है यूज़र ओके नेक्स्ट इसका देखिए डिपेंडेंसी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन करता है अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करेगा लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन विदाउट दी प्रजेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी वर्क नहीं करेगा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ओके मेजरमेंट्स का यूनिट जैसे कंप्यूटर में साइज होता है मेमोरी का साइज होता है तो उसका यूनिट्स क्या होता है वो सब जानेंगे स्टोरेज मेजरमेंट द बेसिक यूनिट यूज इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज़ कॉल्ड ए बिट जिसको बाइनरी डिजिट जैसे एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कंप्यूटर जो होता है वो हमारी भाषा नहीं समझता वो डिजिटल भाषा समझता है जीरो और वन जो जीरो और वन को समझता है वो जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं वही डिजिट्स को समझता है वो कंप्यूटर तो उसके फॉर्म में लाना पड़ता है सारी चीज़ को तब जाके कंप्यूटर में कुछ भी वर्क होता है कंप्यूटर यूज दिज लिटिल बिट्स जिसको हम लोग वन बिट्स बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट्स उससे छोटा और कुछ नहीं होता है ओके okay? जो कि जीरो और वन हो सकता है विच आर कंपोज ऑफ वन एंड जीरोज टू नॉट टू डू थिंग्स एंड टॉक अदर कंप्यूटर्स

कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी समझता है जो जीरो और वन होता है और जितने भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो फाइल्स हो सिस्टम uh, सॉफ्टवेयर हो प्रोग्राम्स हो कुछ भी चीज़ हो कंप्यूटर में वो जीरो और वन के फॉर्म में ही स्टोर होता है ओके ये बेसिक चीज़ है इसको याद रखिएगा माइंड में नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स ओके और कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स देखिएगा बिट देखिए किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट और बिट इसको शॉर्ट में बोलते हैं बिट फिर के बी किलोबाइट को के बी मेगाबाइट को एम बी को जी बी को टी बी और वन बिट वन बिट क्या होता है या तो जीरो होगा हो 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 या वन होगा ओके फिर किलोबाइट्स वन कितना होता है वन थाउजेंड वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स होता है Okay. फिर वन मेगा वाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो वाइट्स होता है फिर वन गीगा ट्वेंटी फोर मेगा वाइट होता हैीगा वाइट्स होता है और वन बाइट में कितना होता है वन बाइट में एट बीट होता है जो यहाँ बाई मिस्टेक छूटा हुआ है ओके वन बाइट में एट बीट्स होता है ओके okay. अब देखिए साइज एग्जाम्पल वन बीट वन बीट किसको हम लोग बोलेंगे वन बिट ओके सपोज कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए और वो येस या नो में जवाब देना हो तो ये यस और नो जो होता है वो आपका एक बिट हो सकता है कंप्यूटर के लिए यस और नो ही कंप्यूटर के लिए वन बिट होता है बाइट ओके नंबर फ्रॉम जीरो टू टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव वो वन बाइट होता है ओके okay? फिर बाइट्स एन अप टू स्टोर ए टिपिकल लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम ए बुक 90 बाइट्स में ये जो एक लाइन बुक में लिखा हुआ ना उसको स्टोर करने के लिए 90 बाइट्स लगता है फिर फोर के बी अबाउट वन पेज ऑफ टेक्स्ट जो एक पेज का जो टैक्स जिसमें ये बुक का जो टेक्स्ट है वन पेज है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में फोर के बी चाहिए ओके फिर वन ट्वेंटी के बी द टेक्स्ट ऑफ ए टिपिकल पॉकेट बुक एक पॉकेट बुक जो होता है डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी आता है उसको या फिर पॉकेट बुक को स्टोर करने के लिए वन ट्वेंटी के बी चाहिए फिर थ्री एम बी थ्री मिनट सॉन्ग जो होता है वो थ्री एम बी का होता है जो वन ट्वेंटी एट के बीट रेट में होता है ओके okay? फिर सिक्स फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड एम बी एस सी डी रोम जो होता है वो सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड एम बी होता है वन जी बी वन हंड्रेड फोर्टीन मिनट्स ऑफ अनकॉम्प्रेस सी डी क्वालिटी ऑडियो एट वन पॉइंट फोर एम बी पर सेकेंड रेट, ओके एंड एट पॉइंट सिक्सटीन जी बी साइज़ ऑफ ए नॉर्मल फ्लैश ड्राइव ये एट टू सिक्सटीन जी बी होता है ये बच्चों के समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स दिया गया है ताकि बच्चे एज्यूम कर सके कि कितना बड़ा साइज होता है कंप्यूटर में कोई फाइल का ओके okay. अब मेजरमेंट शीट मेजरमेंट द स्पीड ऑफ सॉरी स्पीड मेजरमेंट स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज मेजर्ड हर्ज जो सीपीयू का स्पीड रेट होता है जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो स्पीड रेट बताता है कि इतना के बी पर सेकेंड ओके okay? रेट से डाउनलोड हो रहा है इतना एम बी पर सेकेंड के रेट से डाउनलोड हो रहा है उसी तरह सी पी यू में जो प्रोसेस होता है उसका स्पीड हर्ज में होता है ओके okay? हर्ज में और हर्ज क्या होता है विच रिप्रेजेंट सी पी यू साइकिल जो सी पी यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है द स्पीड ऑफ सी पी यू इज़ नॉन एज कंप्यूटर स्पीड सी पी यू के स्पीड को ही कंप्यूटर का स्पीड बोला जाता है सी पी यू स्पीड मेजर्स वन हर्ज जो वन साइकिल पर सेकेंड मतलब वन हर्ज कर बोलेंगे वन साइकिल पर सेकेंड ओके उसको बोला जाता है वन हर्ट्ज फिर वन मेगा हज वन मिलियन साइकिल पर सेकेंड और वन थाउजेंड हट जिसको बोलते हैं फिर वन गीगा हट वन बिलियन साइकल्स पर सेकेंड इसको वन थाउजेंड मेगा हट भी बोलते हैं ओके थैंक्स फॉर वाचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू और ये था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट थ्री था ये और पार्ट फोर भी बहुत जल्द आएगा आपसे रिक्वेस्ट है इससे पहले वाले सारे वीडियो देखें तभी आपको ये सब समझ में आएगा थैंक यू स्टे एट होम स्टडी एट होम